ये वीडियो लिखित इतिहास का निचोड़ है। इस वीडियो में हमने अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ा या कांटा छाटा नहीं है और ना ही हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। ये कहानी है लगभग 200 साल पुरानी, जब जातिवाद और भेदभाव अपनी पराकाष्ठा पर था। महाराष्ट्र के कोरे गांव में पेशवा यानी ब्राह्मणों ने शूद्र जाति के महार, जिन्हें वो अनटचेबल या अछूत मानते थे, उन लोगों के खिलाफ एक अत्याचारी मार्शल लॉ लागू किया था। इस अत्याचारी कानून के मुताबिक महारों को कमर में झाड़ू और गले में मटका बांधने का आदेश था। झाड़ू इसीलिए कि चलते वक्त उनके कदमों के निशान खुद ब खुद मिटते चले जाएं, और मटका या कोई दूसरा बर्तन इसीलिए कि उनका थूक तक ज़मीन पर ना गिरे। और इस ज़माने में वैसे भी पूरे देश में दलितों के खिलाफ अत्याचारी अमानवीय व्यवहार आम बात थी। भीमा कोरेगांव युद्ध 1 जनवरी 1818 को भीमा नदी के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी और पेशवाओं के बीच लड़ा गया था। इतिहास कहता है कि उस समय ब्राह्मण पेशवाओं के 28,000 सैनिकों के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी में 500 महार लड़े थे और जीते थे। इस घटना ने महारों के शौर्य को पूरी दुनिया में स्थापित किया था। दोस्तों, बने रहिए एलटी मोटिवेशन के साथ। ये स्टोरी है बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव की, कमिंग अप नेक्स्ट। एक जनवरी 1818, ये दिन कोरेगांव के संघर्ष के विजय का दिन है, जिसमें महारों ने ब्राह्मणवादी पेशवाओं को धूल चटा दी थी। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के विषय में सामान्यतः लोग ये मानते हैं कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार और सेना थी, इसीलिए उन्होंने आसानी से भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि अंग्रेजों ने भारत के राजाओं महाराजाओं को अंग्रेजी सेना से नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों की मदद से परास्त किया था। अंग्रेजों की सेना में बड़ी संख्या में भर्ती होने वाले ये सैनिक और कोई नहीं बल्कि इस देश के अछूत कहलाने वाले लोग थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी सत्ता विस्तार के लिए पेशवाओं को हराना बेहद ज़रूरी था। ऐसे में अंग्रेज़ों ने पेशवाओं के खिलाफ अपनी युद्ध नीति तैयार कर ली थी। महार जाति के लोग अपनी कदकाठी और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनमें से कुछ महारों ने पेशवाओं के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उनकी सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, लेकिन पेशवाओं ने महारों को अपमानित कर उनके इस आग्रह को ठुकरा दिया। जब अंग्रेज़ों को ये बात पता चली, तब उन्होंने महार जाति के लोगों का सहारा लिया। जानवरों से जीवन जीने को विवश अछूतों को जब अंग्रेजी सेना में नौकरी मिली, तो बेहतर जीवन और इज्जत के लिए ये अंग्रेजी सेना में शामिल हो गए। इसके परिणाम स्वरूप जो संघर्ष हुआ वो देश के इतिहास में दर्ज है। पेशवाओं की सेना में 28,000 सैनिक थे, जिसमें से 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे, जिनकी अगुवाई पेशवा बाजीराव सेकंड कर रहे थे। तो दूसरी ओर बॉम्बे नेटिव लाइन इन्फेंट्री के 500 महार सैनिक थे, जिसमें महज 250 घुड़सवार सैनिक ही थे। हम कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ 500 महार सैनिकों ने किस जज्बे से लड़ाई लड़ी होगी कि उन्होंने 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी। दूसरे शब्दों में कहे तो एक ओर ब्राह्मण राज बचाने की फिराक में पेशवा थे, तो दूसरी ओर पेशवाओं के पशुवत अत्याचारों से बदला चुकाने की फिराक में गुस्से में तमतमाए महार। आखिरकार इस घमासान युद्ध में ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए पेशवा की शर्मनाक पराजय हुई। 500 लड़ाकों की छोटी सी सेना ने हजारों सैनिकों के साथ 12 घंटे तक वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। भेदभाव से पीड़ित महारों की इस युद्ध के प्रति दृढ़ता का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि महार रेजिमेंट के ज़्यादातर सिपाही बिना पेट भर खाने और पानी के लड़ाई के पहले की रात 43 किलोमीटर पैदल चलकर युद्ध स्थल तक पहुँचे थे, जो एक वीरता की मिसाल है। इस युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक युद्ध स्मारक मीनार बनाया गया है, जिसे कोरेगांव स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह महार रेजिमेंट के साहस का प्रतीक है। इस मीनार पर उन शहीदों के नाम खुदे हुए हैं जो इस लड़ाई में मारे गए थे। 1851 में इन्हें मेडल देकर भी सम्मानित किया गया। मुख्य धारा की मीडिया और दलित समाज के विरोधी हमेशा से इस घटना का जिक्र करने से कतराते हैं, क्योंकि ये घटना जहां दलितों की शौर्य गाथा है, तो वहीं मनुवादियों के मुख पर एक कालिख।
बहुजन समाज के लोगों को इस घटना को जानना बहुत जरूरी है। इस महान गाथा में 500 वीर नायकों ने हिस्सा लिया था। ये सारे लोग बहुजन समाज के नायक हैं। इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रति वर्ष 1 जनवरी को उस महान स्थान पर जाकर उन 500 महार सैनिकों को नमन किया करते थे। दोस्तों, इसी तरह का एक और युद्ध बैटल ऑफ सारागढ़ी, जिस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिस पर केसरी मूवी भी बन गई है, उस वीडियो को आप इस आई बटन से देख सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।